तो हेलो फ्रेंड्स, आज से हमने राम सिंह यादव की बुक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके भाई, सो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है किन्हीं दो संख्याओं का योग, ठीक है, योग तो दे रखा हमें कितना 25, ठीक है, और उनका अंतर दे रखा हमें 13। अब ध्यान से देखो, मैं मान लेता हूँ कुछ देर के लिए मेरी जो पहली संख्या है वो है मेरी एक्स, ठीक है, और जो दूसरी संख्या है वो है मेरी वाई। तो इन दोनों का योग यानी कि दोनों को प्लस करके धन एक्स धन वाई कितना दे रखा है, ये दे रखा हमें 25, ठीक है, और उन दोनों का अंतर हमें कितना दे रखा है 13, यानी कि x माइनस में y हमें कितना दे रखा है 13, ठीक है। अब यहाँ से हमें बोल रहा है कि इससे हमें x और y के मान निकालने हैं। अब ध्यान से देखो, अगर हमारे पास कभी भी ऐसे दो समीकरण बनते, मान दो ये है हमारा पहला समीकरण, ये है हमारा दूसरा समीकरण, जब हमें अगर x का मान निकालना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्लास 10th में ये विधियाँ पढ़ी थी, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं समीकरण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, एक व दो को जोड़ने पर, ध्यान से देखना, ठीक है, समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, को जोड़ने पर, ठीक है, ध्यान से देखो, जब मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा तो यहाँ पे ये y तो प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, एक धन का एक ऋण का, दोनों कट जाएंगे। अच्छा, ये x भी धन का है, ये x भी धन का है, तो x प्लस में x कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर, यहाँ पे ये 25 है और 25 और 13, तो 25 और 13 कितना होता है हमारा, आप बोलोगे 38 होता है, 25 और 13 38 आ गया। अब हमारा काम है यहाँ से हमें x निकालना है, तो x बराबर, देखो 38 तो अपनी जगह पहले से था, अब देखो ये दो है ना, ये इस x के साथ किस रिलेशन में है, ये है मल्टीप्लाई के रिलेशन में, क्योंकि जब हमने 2 गुणे x किया तभी तो 2x आया, तो जब भी गुणा वाली चीज़ दूसरी साइड जाती है वो हमेशा भाग में आती है, तो ये आ जाएगा 38 भागा 2, तो ये आ जाएगा हमारा 38 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो 19 बार ही जाएगा, तो आंसर कितना आ गया हमारा 19, यानी कि जो x का मान होगा वो 19 होगा। वैसे हम चाहे तो यहाँ से पहला ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी टिक कर सकते हैं जिसमें हमें x की वैल्यू 19 दे रखी है, बट क्योंकि अगर क्वेश्चन का भी ऐसा आता है कि दो ऑप्शन 19-19 आ जाए तो फिर हमें दूसरा मान कैसे निकालना है। अब देखो ये तो आ गया x का मान, तो ध्यान से देखो हमने x का मान कैसे निकाला, समीकरण एक व दो को जोड़ के, अभी हमें निकालना है y का मान, तो मैं ये तो पहला स्टेप था हमारा, दूसरे स्टेप में मैं क्या करूँगा, समीकरण एक में से समीकरण दो घटाने पर, पहले हमने जोड़ा था अब हम घटाएंगे, समीकरण एक में से समीकरण दो घटाने पर, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं यहीं पे बताऊंगा घटाने पर, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो जैसे मैंने कलर चेंज किया, अब ध्यान से देखो जब भी हम घटाते हैं आपको पता है जो नीचे वाली इक्वेशन समीकरण रहती है उसके जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। यहाँ पे x किसका है, अगर आप बोलोगे प्लस या माइनस का, तो जिसके आगे कोई साइन नहीं रहता, कोई चिन्ह नहीं रहता, वो प्लस का रहता है, तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। ये y किसका है, y के आगे माइनस है, ऋण है, तो ये धन का हो जाएगा। ये 13 किसका है, इसके आगे भी कुछ नहीं है, ये भी धन का है, तो ये भी ऋण का हो जाएगा। अब ध्यान से देखो जब हम इनको सॉल्व करेंगे अब, तो एक्स एक्स कट गया क्योंकि ये एक्स किसका था, प्लस का, ये माइनस का था, और ये वाई और वाई दोनों प्लस प्लस के, तो ये आ जाएगा हमारा 2y, ठीक है। ध्यान से देखो ये आ जाएगा 2y, और ये 25 में से जब मैं 13 को माइनस करूंगा, तो 25 में से 13 माइनस करके कितना आ जाएगा भाई 12, तो यहाँ से अगर मैं y का मान निकालूंगा तो ये आ जाएगा 12/2। मैंने बटे 2 ही क्यों किया, क्योंकि हमें पता है 2 और y का रिलेशन क्या था, मल्टीप्लाई का, तो जब भी ये मल्टीप्लाई वाला लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाता है तो हमेशा क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। अब 12 को कर दो 2 से भाग, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। तो y का मान क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 6, तो देख लो भाई ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर मेरे ख्याल से जो आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए था, अगर आप पेपर में हो तो आपको बाय ऑप्शन जाना है, ठीक है, बाय ऑप्शन आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी है। मान लो आपको पता है कि भैया योग 25 आ रहा है, हर किसी का योग यहाँ 25 आ रहा है ऑप्शन ए बी सी, लेकिन अगर आप अंतर देखोगे इन दोनों में अंतर कितने का, एक का, तो ये ऑप्शन गलत, इन दोनों में अंतर कितने का, 17 का, ये ऑप्शन गलत, यहाँ भी 3 का अंतर है, ये ऑप्शन गलत, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है जहाँ पे 19 और 6 में कितने का अंतर दिख रहा है 13 का, तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, क्या है जिसमें जिसको, ठीक है, यहाँ पे जिसमें नहीं है, जिसको होगा 30, 53, 99 से को विभाजित करने पर एक समान शेषफल बचे। अब देखो भाई मान लो मेरी संख्या कुछ भी है, मैं कुछ मान लेता हूँ, जैसे मैंने मान लिया कि मेरी संख्या x है, ठीक है, अगर उस x से मैं 30 को भाग करता हूँ तो जो मेरा यहाँ पे शेषफल बचेगा ना नीचे, मान लो वो है मेरा 2, फिर जब मैं उसी संख्या x से जब मैं 53 को भाग करूँगा फिर भी जो मेरा शेषफल बचना चाहिए वो बचना चाहिए 2, और लास्ट में जब मैं उसी संख्या x से आपका 99 को भाग करता हूँ तो फिर भी मेरी जो संख्या बचनी चाहिए, सॉरी, जो शेषफल बचना चाहिए वो मेरा 2 बचना चाहिए। अब ध्यान से देखो इसके लिए जो हम मेथड यूज़ करते हो, वैसे आप चाहो तो बाय ऑप्शन जा सकते हो, वरना आप एक काम करो, ठीक है, आप इनके बीच का डिफरेंस देख लो, क्या देख लो, डिफरेंस बोले तो अंतर, आप इनके बीच का अंतर देखो, तो अंतर कैसे देखेंगे हम, ध्यान से देखो, ये 30 था, ये 53 है,
ये हमारा कितना है 99 है। 30 और 53 के बीच का अंतर कितना है, ये आप बोलोगे 23 है, ठीक है। और 53 और 99 के बीच का अंतर कितना है, ये आपका 46 है। अब देखो इन दोनों में से एक आंसर होता है, तो देखो 46 को हम नहीं ले सकते। अब आप बोलोगे भाई 46 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि भाई खुद देखो ना, 46 से अगर हम, क्या 46 से हम 30 में भाग दे सकते हैं? 46 तो बड़ा नंबर आ गया ना, तो इससे हम नहीं दे सकते, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। तो बचा जो ये आपका 23, वो हमारा राइट आंसर हो सकता है। अब आप चेक कर लो, अगर आप 30 को, ध्यान से देखो, अगर आप 30 को 23 से भाग दोगे, कितने से भाग दोगे 23 से, तो कितनी बार ही जाता है 23 एकम 23, तो ये हाँ वो कितना आ गया आपका शेषफल, शेषफल आ गया हमारा 7, ठीक है। अभी तो पहला हो गया 30, अब फिर आप 23 से किस में दो भाग, 23 में, 23 से आप दो इस बारी 53 में, 23 दुनी कितना होता है, आप बोलोगे 46, ये हो गया 13, 13 में से 6 जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये 0, तो फिर से 7 शेषफल आ गया, बिल्कुल सही। अभी लास्ट बचा है आपका 99, ठीक है। अभी फिर इसमें 23 से भाग दे लो, तो ये आपका 4 बारी जाएगा, 4 3 12, 4 2 8 और 1 9 92, और 99 से 92 जाएगा, फिर 7 आएगा। यानी कि 23 वो सबसे बड़ी संख्या है, जिससे कि अगर मैं 30, 53 और 99 को विभाजित करूं, यानी कि भाग दूं, तो मेरा समान शेषफल बचेगा, और वो समान शेषफल क्या है, 7 है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर आपका 17 आता है। अब ध्यान से देखो, इस जो जो ये क्वेश्चन है, इसमें मेन चीज़ है कि आपको लैंग्वेज, आपके आपको क्वेश्चन की भाषा समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में सिंपली ये बोल रखा है कि कोई संख्या है, मान लो वो संख्या मेरी x है, माना संख्या बराबर क्या है x, ठीक है। तो अगर उसी संख्या में बोल रहा है कि एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर, यानी कि आपको पहले x में x ही जोड़नी है वही संख्या, और फिर उसमें 5 भी जोड़ना है, तब जाके जो आपका उत्तर आता है वो आपका 17 आता है। इतना क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब x और x को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा हमारा 2x, और प्लस में आपका 5 बराबर 17। अब ध्यान से देखो, हमें यहाँ से x का मान निकालना, तो मैं क्या करूँगा, 2x को ऐसे ही इसकी जगह रखूँगा, बराबर 17 बिल्कुल जहाँ पे था वहीं पे रखो। अब इस 5 को हमें यहाँ से यहाँ भेजना है, यानी कि एक ये जो दाएं बायां पक्ष है, बाएं से मुझे दाएं में भेजना है। अब यहाँ देखो इसका चिन्ह क्या है, ये है आपका प्लस का, धन का, तो धन वाली चीज़ जब इधर जाती है दाएं साइड में, तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, तो 17 माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 17 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12। तो अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूँ, फिर वही आ गया ना जो हमने अभी पीछे किया था, 12 और बटे 2। अब हमने 2 क्यों किया, आपको पता होगा, क्योंकि 2 और x का जो संबंध है वो गुणा में है, गुणा वाली चीज़ जब इधर आती है वो भाग में आ जाती है, 2 से 12 को भाग करो 6 आ जाएगा, यानी कि जो आपकी वो संख्या होगी वो क्या होगी, 6। और खुद भी देखो यार, 6 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा और फिर प्लस में 5 जोड़ूंगा, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, और 12 में फिर 5 जोड़ के 17, यानी कि वही आंसर आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से, और आप चाहो तो बाय ऑप्शन जा सकते हो इस क्वेश्चन में भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या बोल रहे हैं, भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको बोल रखा है पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग बोले तो परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आप खुद बताओ, आपको 175 के आसपास का कोई पूर्ण वर्ग याद है? अगर मैं आपको बोलूँ 10 का वर्ग कितना होता है, ठीक है, तो 10 के वर्ग का मतलब होता है 10 × 10, यानी कि 10 × 100। अगर मैं आपको बोलूँ 11 का वर्ग कितना होता है, आप बोलोगे 11 × 11, क्लियर है, 11 × 11 बराबर 121, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ 12 का वर्ग कितना होता है, 12 × 12, यानी कि 144। अगर मैं आपको पूछूँ 13 का वर्ग कितना होता है, आप बोलोगे 13 × 13, यानी कि 169। और अगर मैं आपको बोलूँ 14 का वर्ग क्या होता है, तो आप बोलोगे 14 × 14, यानी कि 196। अब ध्यान से देखो, 196 तो 175 से बड़ा हो गया ना, लेकिन वो बोल रहा है वो छोटी से छोटी संख्या जिसको कि हमें 175 में से घटाना है, तो ये तो हम ले नहीं सकते, यानी कि हमें 13 का वर्ग लेना होगा। अब आप खुद बताओ, आपको 175 को बनाना है 169, अब आप इसमें से क्या घटाओगे? आप बोलोगे भाई सिंपल सी बात है, हम 6 घटाएंगे, तभी तो 169 आएगा। तो जो आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हम 6 घटाएंगे। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको 999 का वर्ग करना है। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने आपसे कहा 5 का वर्ग करके बताओ, तो आप बोलोगे 5 के वर्ग का मतलब है 5 × 5 बराबर 5 × 25। अब ऐसे ही हमें 999 का वर्ग करना है, तो 999 के वर्ग का मतलब है 999 × 999। क्लियर है? अब देखो भाई, अगर आप नॉर्मली इसको गुणा करोगे, आराम से कर लेना, आपको लगभग 1 से 1.5 मिनट आराम से लग जाएंगे। अब जो इसकी शॉर्टकट ट्रिक होती है, वो हमारे पास क्या होती है, ये जो पीछे वाला नंबर है ना 999,
उसमें से एक घटा दूं तो आप बोलोगे क्या आएगा, 998 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब 9 में से 8 घटाओ तो कितना आएगा, एक, फिर 9 में से 9 घटा दो आपका 0, और फिर 9 में से 9 घटा दो 0, जो आपका राइट आंसर होगा इन दोनों को गुणा करके वो इतना आना चाहिए। और देख लो वो कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ हमने कैसे किया। जब भी हमें 999 की गुणा किसी और संख्या में करनी हो तो हम कैसे करते, ध्यान से देखो। सबसे पहले जैसे ये था मेरा 999 गुणा 999, ठीक है, तो ये जो पीछे वाली संख्या होती है ना, ठीक है, जिसके साथ हम 999 की गुणा करते हैं उससे एक कम संख्या घटा के यहाँ पे लिख दो, तो 999 से एक घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 998। अब 9 में से 8 घटा दो तो ये आ जाएगा हमारा 1, 9 में से 9 घटा दो ये आ जाएगा हमारा 0, और 9 में से 9 घटा दो फिर ये हमारा 0 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, जितना भी आ गया 998,001। ठीक है, इतना क्लियर है, ये भी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। मेरे ख्याल से ये भी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, काफ़ी आसानी से आपने बना लिया होगा। दूसरा मतलब क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 4 से विभाज्य हो। अब देखो भाई, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको ना चाहते हुए भी बाय ऑप्शन जाना ही होता है। ठीक है, ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस 4 से देखूंगा क्या ए, यानी कि क्योंकि सबसे छोटी संख्या तो यही है ना 4 अंकों की, 1000, तो अगर ये 4 से मतलब 1000 विभाजित हो गई पूरी, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर आप 1000 को विभाजित करोगे 4 से तो कितनी बारी जाएगा, 4 दुनी हो जाएगा आपका 8, 2 0 उतारोगे आप, 4 पंजे हो जाएगा आपका 20, ठीक है, 0, और इस 0 को यहाँ उतारोगे 0, कितनी बार चला गया, 250 बारी, यानी कि जो ये 1000 है ये 4 से पूरी तरह विभाजित होता है, और हमें भी वही संख्या तो बतानी जो 4 अंकों की सबसे छोटी हो। भैया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ही तो 1000 होती है, ठीक है, और वही संख्या हमारी क्या हो गई, भाग हो गई आपकी 4 से, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, और वैसे आपको मैं बता दूं 4 के विभाजिता का नियम क्या होता है, 4 के विभाजिता का नियम वैसे आप में से बहुतों को पता भी होगा, विभाजिता का नियम क्या होता है भाई बताओ जरा नियम। ठीक है, ये होता है कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से कटते हैं, तो वह पूरी संख्या 4 से कटेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने आपके पास बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया, मैंने कहा भाई 2, 8, 6, 9, 4, 6, 6 और 4 दे दिया। अब आपको पता है कि मुझे सिर्फ, मैंने कहा भाई बताओ ये 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी पूरी, तो अब आप ऐसे पूरी विभाजित करके थोड़ी ना देखोगे, आप सिर्फ इसके लास्ट के दो अंक पकड़ोगे, 64 को करो 4 से विभाजित, तो आप बोलोगे 4 एकम कितना होता है 4, 2, 4, 4, 6, 24, तो पूरा विभाजित हो गया 16 बार, यानी कि जो पूरी संख्या है ना ये भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे 0, 0, तो भैया 0, 0 का मतलब होता है 0, तो 0 हर किसी संख्या से विभाजित हो जाता है, तो यानी ये 4 से भी हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हाँ ये सही क्वेश्चन आया आपके पास। ठीक है, क्या बोल रहा है आपको, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का वर्ग, ठीक है, 2 का वर्ग, धन 3 का वर्ग, धन 4 का वर्ग बराबर निकालना कितना होगा। अच्छा, 1 का वर्ग कितना होता है, आप बोलोगे 1 का वर्ग मतलब 1 गुणा 1 यानी कि 1, धन 2 के वर्ग का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 यानी कि 2 दुने 4, धन 3 के वर्ग का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 3 यानी कि 3 तीन 9, धन 4 के वर्ग का मतलब क्या होता है, 4 चौके 16। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, अब जोड़ लो भाई, 4 और 1 कितना होता है 5, तो ये आ जाएगा 5, और 5 और 9 कितना होता है 14, और 14 और 16 कितना होता है, आप बोलोगे 30, तो यानी कि जो इनका योग आएगा वो कितना आएगा भाई, 30 आएगा। और अगर आप ऑप्शन नंबर देखो तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। ये तो हो गया, हमने नॉर्मल कर दिया, लेकिन क्या हो अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता, मान लो क्वेश्चन ऐसा होता 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन ये चला जाता मान लो 20 के वर्ग तक, आप ऐसे करके थोड़ी ना देखते। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, प्रथम मैं आपको लिखा देता हूँ, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, क्लियर है भाई। तो क्या होता है, ये होता है आपके पास n n+1 2n+1/6। अभी थोड़ा सा आपको बड़ा फॉर्मूला लग रहा होगा, बट भाई विश्वास मानो, जब आप क्वेश्चन करोगे ना इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, मतलब आप नॉर्मली तो कर ही नहीं सकते इन क्वेश्चन को, आपको बाय फॉर्मूला ही जाना होगा। तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में ये फॉर्मूला लगाऊं, देखो यहाँ पे n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि कितनी संख्या है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे 1
दो, तीन और चार, चार संख्या है, यानी कि इस एन की जगह पे आप चार रख दो। तो हमारा ये क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा एन की जगह चार, तो सबसे पहले मैंने चार रखा, फिर चार के बाद गुणा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, फिर चार धन एक, क्योंकि यहाँ पे एन था ना, तो मैंने चार धन एक कर दिया, ये हो जाएगा हमारा पाँच, फिर गुणा दो गुणे चार, यानी कि दो गुणे एन मतलब दो गुणे चार, चार दूनी आठ और एक कितना हो जाएगा नौ, तो ये हो जाएगा नौ, और बट्टे में नीचे कितना है छः। अब तीन से काट लो, तीन दूनी कितना होता है छः, और तीन से ऊपर काट दो, तीन तीन नौ, दो से काटो चार को, दो दूनी चार, अब ध्यान से देखो, पाँच दूनी दस और दस तीन तीस, तो यहाँ से भी हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, तीस। तो चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, वैसे छोटा क्वेश्चन था तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, बट अगर कभी बाई चांस बड़ा क्वेश्चन आता है फिर आपको बाई फार्मूला ही जाना पड़ेगा, ठीक है, एंड बाई फार्मूला हमेशा सेफ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहे हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, मान दो कोई भी पूर्णांक है और वो ऋणात्मक पूर्णांक है, तो उसका वर्ग क्या होगा, ठीक है, शून्य होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल ऋण का दो, इसका मैंने वर्ग किया, क्योंकि ऋण दो क्या है, हमारा एक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक, इसका मैंने वर्ग कर दिया। तो मैंने अभी बताया था वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को दो बार ही गुणा कर दो, तो ऋण दो गुणा में ऋण दो। अब ध्यान से देखो, दो दुनी तो हो जाएगा चार, बात ये कि भाई इस चार का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो गुणा हो रहा है, एक ये ऋण रहा और एक ये ऋण रहा, तो जब भी समान चिन्ह, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नीचे, अगर समान चिन्ह आपके गुणा होते हैं, समान चिन्ह अगर आपके आपस में गुणा होते हैं, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी कि धनात्मक आएगा, यानी कि जो चार आएगा वो हमेशा धन का आएगा, और अगर विपरीत चिन्ह आपके गुणा होते हैं, अगर आपके विपरीत चिन्ह गुणा होते हैं, ठीक है, तो जो आपका विपरीत चिन्ह गुणा, इसको क्रॉस मत मान लेना भाई, कट्टा, ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो हम आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो भाई, मैंने आपसे कहा, मैंने कहा भाई ऋण पाँच गुणा में ऋण छः कितना होगा, तो आपने देखना है पहले नॉर्मल गुणा कर दो, जैसे हम करते हैं, छः पंजे कितना होता है तीस। अब आप देखोगे भाई इस तीस का हमें चिन्ह क्या लगाना है, आप देखोगे यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे भी ऋण है, तो ऋण गुणा ऋण, यानी कि दोनों समान चिन्ह थे, तो जब भी समान चिन्ह आपस में गुणा होंगे तो आंसर हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में, तो ये तीस आपका पॉजिटिव ही है, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो वो धन का ही होता है, तीस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको यहीं पर दूँ, मैंने कहा भाई पाँच और गुणे में ऋण चार कर दो जरा, तो आप पाँच को बीस तो कर दोगे, लेकिन इस बीस का चिन्ह क्या आएगा, ऋण का, क्यों भाई, क्योंकि चार तो आपका ऋण का है, लेकिन जो पाँच है उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो यानी कि वो धन का है, यहाँ पे धन गुणे ऋण हो रहा है, तो असमान चिन्ह आ गए ना, विपरीत चिन्ह, तो विपरीत चिन्ह जब भी आपस में गुणा होंगे आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना आएगा, ऋण का बीस, क्लियर है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अब देखो मैं जो अभी बात कर रहा था, अच्छा यहाँ पे तो प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र आ गया ना, ठीक है, तो वही है कि प्रथम, एक सेकंड, क्वेश्चन है आपके पास प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र, के योग का सूत्र, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको याद रखना ही होगा, ये होता है आपका n, n प्लस में वन अपॉन में दो, ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये राइट हो जाएगा। अच्छा इसका एक एग्जांपल करके देखिए, उदाहरण देखते हैं, ठीक है, मैंने कहा आपसे भाई आप मुझे एक काम करो, प्रथम दस प्राकृतिक संख्याओं के का योग बता दो, प्रथम दस प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आप क्या बोलोगे, देखो प्रथम दस आया ना, तो यानी कि एन का मान कितना आ गया यहाँ पे दस, क्योंकि दस का निकालना है, तो यहाँ पे रख दो, तो ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा एन, एन प्लस में वन अपॉन में टू, यानी कि एन की जगह रख दो दस, दस गुणे दस में अगर एक जोड़ोगे, एन प्लस वन है ना, तो यानी कि दस धन एक, तो दस धन एक कितना हो जाएगा ग्यारह, और बट्टे में आ जाएगा आपका दो, दो से दस काट दो पाँच बारी, तो ग्यारह पंजे कितना हो जाएगा पचपन, ठीक है, यानी कि अगर आप एक से लेके एक धन दो धन तीन धन ऐसे करते करते अगर आप दस तक के नंबर को गिनोगे और इनका जोड़ करोगे तो वो आपका पचपन आएगा, क्लियर है, तो मेरे ख्याल से आपको एग्जांपल के साथ अच्छा समझ में आ गया होगा, उदाहरण के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर दस है हमारे पास, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, ठीक है, संख्या किस अनुपात में दे रखी है हमें, तीन अनुपात चार में, ठीक है, कौन से अनुपात में दे रखी है, तीन अनुपात चार में। अब बोल रहा है जब दोनों संख्याओं में पाँच जोड़ा जाता है तो नया अनुपात जो बन जाता है वो चार अनुपात पाँच बन जाता है। अब ध्यान से देखो, आपको मैं मतलब अभी बता रहा हूँ, जब भी हम अनुपात से, ये अनुपात दे रखा है ना दोनों संख्याओं का, अनुपात से जब भी हम संख्या बनाते हैं तो उनके साथ एक चर राशि आती है, चर बोले तो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जिसका मान हमें पता नहीं रहता, तो जब मैं तीन से, ये तीन अनुपात में था, इससे जब मैं संख्या बनाऊँगा तो ये बनेगी मेरी तीन एक्स, ठीक है, और जब चार से मैं संख्या बनाऊँगा तो ये बनेगा मेरा चार एक्स।
अब वो क्या बोल रहा है, जब दोनों में पाँच पाँच जोड़ा जाता है, यानी कि मैं पहले में जोड़ रहा हूँ मान लो 3x प्लस में पाँच जोड़ा और बटे में मैंने 4x में भी पाँच जोड़ा, तो बोल रहा है इन दोनों का जो अनुपात आएगा ना वो अब नया अनुपात ये बन जाएगा 4:5। तो कितना बन जाएगा, 4:5। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, और दोनों के बीच में बराबर का साइन है, वहाँ से हमारे पास x का मान निकल जाएगा। तो ध्यान से देखो, जब मैं इसके साथ इस पूरे की गुणा करता हूँ, तो ध्यान से देखो, हाँ ये 5 था, इसके साथ मैंने इस पूरे को यानी कि 3x और प्लस में 5 को गुणा किया, और बराबर उधर क्या था हमारा 4, और 4 के साथ मैंने 4x प्लस में 5 को गुणा किया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दिया। अब देखो ये 5 और इस पूरे ब्रेकेट का मतलब है कि ये जो 5 है ना वो उस पूरे ब्रेकेट के साथ गुणा होगा, तो 5 दिया कितना हो जाएगा हमारा, सबसे पहले 15x और फिर धन में 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, क्लियर है इतना, ठीक है। फिर 4 चक्कू 16x, ठीक है, और प्लस में 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 20। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे है 16x, यहाँ पे है 15x, तो आप एक काम करो, ये जो x है ना इसको इधर से उठा के इधर ले आओ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है समझने में, ठीक है। ये 16x यहाँ पे पहले से था, मैंने क्या किया 15x को यहाँ से यहाँ ले आया, ठीक है। तो जब भी मैं एक मतलब दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाता हूँ या फिर बाएं से दाएं में लाता हूँ तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये यहाँ किसका है, आपको पता है ये प्लस का है, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का हो जाएगा। 15x जब यहाँ से इधर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, तो ये जो 16x पहले से था माइनस में आपका कितना हो जाएगा 15x, क्लियर है इतना। अब ध्यान से देखो, अच्छा यहाँ कितना था, यहाँ तो 25 आपका पहले से है ही। अब देखो भाई, 25 ने कहा भाई मेरे साथ के लिए भी तो कोई भेजो, तो इसने कहा भाई ये जो 20 है ना ये यहाँ किसका है, धन का, तो 20 यहाँ आके किस में हो जाएगा, ऋण का, तो ये आ जाएगा 25 ऋण 20। अब 25 में से 20 घटा दो भाई, कितना आ जाएगा 5। अच्छा 16x में से 15x घटाओगे तो 16 में से 15 जाएगा 1, और 1x को ही हम x बोलते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो x का मान आ गया वो कितना आ गया भाई 5 आ गया, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, तो संख्याएं क्या होंगी, अब संख्याएं हमारे पास क्या थी, पहली संख्या थी हमारे पास 3x और दूसरी थी हमारे पास 4x। तो 3x का मतलब होता है 3 × x, और x का मान कितना निकाला हमने 5, यानी कि 5 दिया कितना हो जाएगा भाई 15, क्लियर है। अच्छा दूसरी संख्या क्या है 4x, तो यानी कि 4 × x का मान यानी कि 5, तो 5 को कितना हो जाएगा आपका 20। तो पहली संख्या आ जाएगी 20, दूसरी संख्या सॉरी पहली संख्या आ जाएगी 15, दूसरी संख्या आ जाएगी आपकी 20। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, पहला तो पहली संख्या वो 15, दूसरी संख्या आपकी 20, ठीक है भाई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा अब अगर आप इसको जिसे बोलते हैं शॉर्टकट से अगर बनाना चाहो तो ध्यान से देखो हम शॉर्टकट से कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ, इतनी जगह चाहिए। अच्छा आपके पास रेशियो पहले कितना था, अनुपात पहले था, आप बोलोगे भाई ये अनुपात था 4:5, ठीक है। अनुपात बाद में कितना हो गया, 4:5 हो गया, बिल्कुल सही। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पहले 3 था, ये 4 हो गया, आप बोलोगे बिल्कुल ये प्लस 1 बढ़ गया, बिल्कुल। अच्छा पहले 4 था ये 5 हो गया, ये भी प्लस 1 बढ़ गया, मानते हो कि नहीं मानते, बिल्कुल भाई। ये 1 बढ़ा क्यों, क्योंकि हमने इसमें कुछ जोड़ा, हमारे हिसाब से हमने 1 जोड़ा भैया, अगर मैं 3 में 1 जोड़ूंगा तभी तो 4 आएगा, और 4 में 1 जोड़ूंगा तभी तो 5 आया, हमारे हिसाब से हमने दोनों में 1-1 जोड़ा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है हमने इनमें 5 जोड़ा, तो यानी कि इस 1 का मान किसको दर्शा रहा है, 5 को। तो ये 1 मतलब 5 1 का कितना गुना है, आप बोलोगे 5 गुना है, तो हर वो संख्या 5 गुनी होगी जो कि पूछ रखी है। बोल रखा है संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याएं हमारे पास क्या थी, 3 और 4 थी, इनको भी 5-5 गुना कर दो, तो जैसे मैं 3 को 5 गुना करूंगा तो 5 से कितना हो जाएगा भाई 15, और अगर मैं 4 को 5 गुना करूंगा तो 5 को कितना हो जाएगा 20। तो यहां से भी आंसर वही आएगा, यहां से भी आंसर वही आएगा, अब वो डिपेंड आप पे करता है आप कौन से मेथड से जा सकते हो, बाकी ये दूसरा वाला जिसे आप बोल सकते हो जल्दी निकालने का तरीका, बट इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है दो संख्याओं के बीच का अनुपात 1:3 है, ठीक है। ध्यान से देखो, दो संख्याओं के बीच का अनुपात दे रखा है 1:3, ठीक है। अब वही फिर अनुपात से अगर मैं संख्या बनाऊंगा तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 1x, या फिर वही बोल लो x, ठीक है। अच्छा 3 से अगर मैं संख्या बनाऊंगा तो ये क्या बन जाएगी हमारी 3x। अब इन दोनों को क्योंकि उसने योग दे रखा है तो दोनों को जोड़ दूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 1x और प्लस में 3x को जोड़ूँ तो ये कितना आएगा, और उसका योग दे रखा हमें 240, तो ये दे रखा हमें 240, तो 1x और 3x कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4x हो जाएगा, 4x बराबर कितना दे रखा है भाई 240। तो x का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 240 बटे में 4, बटे क्योंकि आपको पता है क्योंकि यहाँ इन दोनों का जो संबंध था वो गुणा था, यहाँ ये भाग में आ गया, 240 में अगर आप 4 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा हमारा 60, यानी कि जो x है वो कितना है 60 है, यानी कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या ही क्या दे रखी है भैया, पहली संख्या हमारे पास 1x दे रखी है, 1x का मतलब ही आपका x होता है, ठीक है, 1x बराबर x, ठीक है, बोथ आर सेम, दोनों के दोनों आपके समान है, क्या है समान है, तो पहली संख्या क्या आ गई, पहली संख्या आ गई हमारी
60, ठीक है, आ गया हमारा 60। तो पहली संख्या आ गई 60, और दूसरी संख्या क्या थी 3x, यानी कि 3 गुणे x, तो x कितना है आपका 60, तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18, सॉरी हाँ 6 तिया 18, ये हो जाएगा हमारा 180। क्लियर है? अब बोल रखा है तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा। अब ध्यान से देखो भाई, 60 और 180 में अंतर कितने का है, तो 180 में से 60 घटा दो। अरे मैंने कहा 2 और 5 में कितने का अंतर होता है, आपने कहा 5 में से 2 घटा दो, 3 का अंतर हो गया। ऐसे ही 180 और 60 में कितने का अंतर होता है, इसमें से घटा दो, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 120। ठीक है, ये तो हो गया भाई बाय मेथड, या फिर आप बोल सकते हो बिल्कुल डिटेल मेथड में। अब अगर आप मेरे वाले मेथड की बात करो कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता, तो ध्यान से देखो, बस इतनी जगह चाहिए आपको, दे रखा है संख्याओं का अनुपात 1:3, ध्यान से देखना। ठीक है, बिल्कुल दोबारा कभी क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है 2 संख्याओं का अनुपात है 1:3। मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूँ मेरी जो पहली संख्या है वो 1 ही है और जो दूसरी संख्या है वो 3 ही है, तो अगर इस वाले केस में मैं इन दोनों का योग करूँगा तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4 हो जाएगा। लेकिन रियल में क्या हमारे पास योग 4 है? नहीं है। तो कितना है योग हमारा? 240 है। बस आप ये पता कर लो ये इसका कितना गुना है, तो अगर मैं 240 को 4 से भाग करूँगा तो कितना आएगा? 60। यानी कि 60 गुना है, यानी कि हर वो एक चीज़ 60 गुना होगी जो कि पूछी है। पूछा क्या है? उनका अंतर। आप खुद बताओ 1 और 3 के बीच का अंतर कितना होता है? आप बोलोगे भैया 2 होता है अंतर। बिल्कुल सही है, तो भाई इस 2 को भी 60 गुना कर देना, तो कितना हो जाएगा? 60 दूनी 120, यानी कि 120 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी पहले से। क्लियर है भाई? तो ये वाला मेथड काफ़ी अच्छा है, ठीक है, बट वही है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। एंड पहले आप इस वाले मेथड्स को सीखो, बाद में ये मेथड अपने आप आने लग जाएगा। ठीक है, ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 देखो, 2 संख्याओं का योग दे रखा है आपको 95, ठीक है। अच्छा, 2 संख्याओं का योग हमें 95 दे रखा है। बोल रखा है जो पहली संख्या है ना वो दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो दूसरी संख्या के सापेक्ष बात कर दी ना, तो आपको दूसरी संख्या को कुछ मानना होगा। तो मैं मान लेता हूँ, माना, ठीक है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी मेरी, एक्स मान लो या फिर वाई, ठीक है वाई। अब ध्यान से देखो, अगर आपने दूसरी संख्या वाई मान ली, मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ भैया दूसरी संख्या है 10 है, तो पहली संख्या बता दो, तो आपको पता है कि भैया जो पहली संख्या है ना वो दूसरी से 15 अधिक है, तो अगर दूसरी 10 है तो पहली कितनी हो जाएगी? 15 जोड़ दो, आप बोलोगे 25 हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो हमारे पास दूसरी संख्या वाई है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी भाई? पहली संख्या हो जाएगी हमारी वाई प्लस में 15। क्लियर है? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, अगर दूसरी संख्या हमने मानी क्योंकि दूसरे के सापेक्ष बात की थी, अच्छा वाई मान ली, फिर पहली संख्या कितनी हो जाएगी? वाई प्लस में 15, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी से 15 अधिक है, तो हमने 15 अधिक कर लिया। अब बोल रहा है इन दोनों का योग कर दो, दोनों का योग, तो योग कितना हो जाएगा? वाई प्लस में आपका वाई प्लस में 15, इन दोनों का योग कितना दे रखा है उसने हमें? 95। बस 95 के बराबर कर दो। अच्छा वाई प्लस वाई कितना होता है? आप बोलोगे 2y, तो 2y धन में 15 बराबर कितना दे रखा हमें? 95। बिल्कुल सही, यहाँ से 2y बराबर कितना आ जाएगा? 95, 95। अब ये 15 यहाँ धन का है तो उधर जाके ऋण का हो जाएगा, तो माइनस का 15 हो जाएगा, तो 95 में से अगर मैं 15 को माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 80, 80 होगा ना? बिल्कुल सही, तो 2y बराबर कितना आ गया हमारा? 2y बराबर आ गया 80, तो y बराबर कितना आ जाएगा भाई? 80 और बट्टे 2, बट्टे 2 किया है ना, पता है ना क्यों किया? ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 40। तो यानी कि जो दूसरी संख्या होगी वो होगी y, तो y क्या था? वाई माना था हमने दूसरी संख्या को, तो ये कितनी आ गई हमारी? ये आ गई हमारी 40। तो उसने पूछा क्या है? तो छोटी वाली संख्या, छोटी संख्या भैया वाई थी, वो आ जाएगी हमारी 40। ठीक, अगर पहली संख्या पूछता तो पहली संख्या कितनी है? वाई प्लस में 15, तो पहली संख्या कितनी, सॉरी ये वाई प्लस में 15 आई, तो वाई का मान कितना आ गया हमारा? 40, तो 40 प्लस में 15 हमारा कितना हो जाएगा? 40 और 15 55, तो जो दूसरी संख्या आ जाएगी वो 55 आ जाएगी। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 40 और 55 कितना आ जाएगा हमारा? 95। तो यहाँ से भी हमारा इसका, इसे बोलते हैं पुष्टि हो जाएगी कि हमारा आंसर राइट है। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम, अच्छा आप में से बहुतों को पता नहीं होगा व्युत्क्रम किसे बोलते हैं, तो मान दो मेरे पास कोई संख्या है एक्स, उसका जो व्युत्क्रम होता है कुछ नहीं करना, 1/1 में लिख दो। जैसे मैंने कहा कि भैया 5 का व्युत्क्रम बताओ, तो आप बोलोगे 5 का व्युत्क्रम होगा 1/5। मैंने कहा 2 का व्युत्क्रम, आप बोलोगे 1/2। कुछ नहीं करना, 1/1 में ले जाओ उस संख्या को। अब बोल रहा है उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का आपको योग दे रखा है कितना? 17/4। तो संख्या क्या होगी? अब देखो इन क्वेश्चंस को जितना आप हिट एंड ट्रायल से करोगे, यानी कि बाय ऑप्शन करोगे, उतना आपके लिए सही होगा। ठीक है, तो एक बार मैं बाय ऑप्शन करके देखूं, तो ध्यान से देखो, अगर मैं पहले वाले को पकड़ता हूं, तो यानी कि इन दोनों का योग आना चाहिए 17/4, तो मैंने किया 5 प्लस में 1/5। अब आपको पता है 5 पंजे कितना होता है? 25, तो ये हो जाएगा मेरा 25 धन में 1/5।
25 और 1 कितना होता है 26/5, हमें चाहिए कितना था 17/5, 26/5 आ रहा है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन पकड़ के देखो तो ये हो जाएगा 4 ÷ 1/4, 4 × 4 कितना होता है 16, ये हो जाएगा 16 ÷ 1 और 4/4, तो 16 ÷ 1 कितना होता है 17 और 17/4 हमें चाहिए क्या 17/4 ही, और हमें मिल भी क्या गया 17/4 ही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्लियर है भाई? तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 3/4 भाग आपका 60 है तो उस संख्या का 1/2 यानी कि आधा भाग बता दो कितना होगा। तो मान लेते हैं, माना जो आपकी संख्या है वो कितनी हो जाएगी, x मान लो या फिर क्या माने, माना संख्या बराबर x, ठीक है। अच्छा, अब किसी संख्या का यानी कि x का, तो x का मतलब होता है हमेशा गुणा, ठीक है। एक सेकंड, मैं इसको एक से लिख लेता हूँ, ठीक है। x का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो x का 3/4, 3/4 भाग आपको कितना दे रखा है 60, तो आपको सबसे पहले यहाँ से x निकालना है। तो x कैसे निकालोगे, ये 60 था, अच्छा ये 3 किस में था, यहाँ x के साथ गुणा में था तो 3 तो चला जाएगा भाग में, और ये 4 यहाँ x के साथ किस में था, आप बोलोगे भाग में, बटे का मतलब भाग में, तो ये यहाँ चला जाएगा गुणा में, ठीक है। तो 60 × 4/3 हो जाएगा, 3 से 60 काट दो कितनी बारी कटेगा 20 बारी, 20 से 60 होता है, और 20 × 4 कर दो तो 20 × 4 कितना होता है, आप बोलोगे 80। तो आपका जो आंसर आ गया, सॉरी आंसर नहीं, जो संख्या आ गई वो तो आ गई 80। अभी ध्यान से देखो, आप जो आपका जो आंसर आया वो 80 नहीं आया, उसने बोला उसका 1/2 यानी कि 80 का मतलब फिर गुणा 80 का 1/2 निकालना है, ठीक है। 1/2 तो 80 एकम कितना होता है 80/2, 2 से अगर मैं 80 को काटूंगा तो कितनी बारी कटेगा 40 बार। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 40, ठीक है। सो सिंपल सी बात है भाई, अगर संख्या आपकी 40 है, सॉरी अगर संख्या आपकी 80 है, संख्या अगर आपकी 80 है और उसका आपका 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, तो 80 का आधा कितना हो जाएगा 40, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसके लिए एक और मेथड हम यूज़ करते हैं और काफ़ी पॉपुलर मेथड है, उसे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ये मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बाकी आप पे डिपेंड है आप उस मेथड का यूज़ करते कि नहीं करते, ठीक है। ध्यान से देखो, बोल रखा है किसी संख्या का, हमें नहीं पता संख्या क्या है, तो उसका 3/4 उसने कितना दे रखा है, इसको यूं सीध में 60 मान देना। अब बोल रहा है उसी संख्या का 1/2, तो 1/2 निकालना है, तो 1/2 निकालना है, उसको मान लो x के बराबर, बिल्कुल किया, ठीक है, क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना, वज्रगुणन कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसकी गुणा यहाँ और बराबर लगा के इसकी गुणा यहाँ, तो जैसे आप करोगे, ध्यान से देखो, इधर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 3/4 गुणा में आपका x और बराबर कितना है 60 × 1/2, 2 से 60 कटेगा कितनी बारी 30 बारी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3/4 × x बराबर आ जाएगा मेरा 30, तो यहाँ से क्योंकि हमें x निकालना है तो 30, अब ध्यान से देखो ये 4 यहाँ गुणा में था, सॉरी भाग में था, तो ये यहाँ आ जाएगा गुणा में, और बटे क्योंकि ये यहाँ 3x के साथ किस में है गुणा में है, तो ये यहाँ आ जाएगा भाग में, तो 3 से 30 काटा कितनी बारी 10 बारी, तो x का मान कितना आ गया 40। अब यहाँ पे वो x संख्या नहीं है, वो x आपका आंसर है, तो आपका जो आंसर होगा वो 40 हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज मेथड नंबर 2, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, अभी मैं इसका आगे आपको यूज़ बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई क्या है, ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं भाई, छोटी से छोटी संख्या जो 3600 को विभाजित करने पर, जिससे 3600 को विभाजित करने पर भागफल एक घन संख्या दे, परफेक्ट क्यूब, ठीक है, ये धन नहीं है, यहाँ पे घन होगा, ठीक है, क्या होगा, घन होगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आप 3600 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, तो भाई छोटे में हर किसी ने सीखे कैसे करते हैं, 2 से काटो 2 18 की 0 0, फिर 2 से काटो 2 9 18 0 0, फिर 2 से काटो 2 × 8 2 5 10 0, फिर 2 से काटो 2 × 4 2 × 4 और 2 5 10, फिर 3 से काटो 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से काटो 3 × 6 और 3 5 15, फिर 5 से काटो 5 5 25 और फिर 5 से काटो 5 × 5। अब जब भी हम बात करते हैं परफेक्ट घन की या सॉरी परफेक्ट क्यूब की, ठीक है, तो घन का मतलब क्या होता है कि हमें 3 3 के जोड़े में से एक को बाहर लेना होता है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इन दो की बात करूँ, इन 3 2 में से मैंने 1 2 को बाहर ले लिया, यानी कि इनका काम खत्म, यहाँ से मैंने 2 बाहर ले लिया, लेकिन अब मैं अगर ध्यान से देखो तो यहाँ किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा, ये यहाँ पे 3 2 मतलब 2 3 बन रहे, फिर 2 5 बन रहे और 1 2 बन रहा, यानी कि अगर मैं इस 3600 को
इस पूरे के गुणनफल से, इस पूरे के गुणनफल से अगर मैं इसको भाग कर देता हूँ तो ये मेरी एक पूर्ण घन बन जाएगी। पूर्ण घन कैसे बन जाएगी? क्योंकि हमने इनमें से पहले ही एक कॉमन ले लिया है। भैया घन जब हम निकालते किसी भी संख्या का घनमूल तो हम वही तो करते हैं कि तीन जैसे एक जैसे दिखे, दो दो दो, तो इनमें से एक दो को बाहर ले लिया, ठीक है। लेकिन ये संख्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि इसको पूर्ण घन बनने नहीं दे रही, तो हम क्या करते हैं इन सब का, इन सब के गुणनफल का इसमें भाग कर देते हैं। इनका गुणनफल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 2 × 3 × 3 × 5 × 5, तो कितना आ जाएगा? 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18 और 5 × 5 = 25। तो 18 × 25 कर दो तो 18 × 5 कितना होता है आपका? देखो भाई सिंपल कर लेना, 25 × 18, ठीक है। 18 × 5 कितना होता है? 90 का 0 हासिल 9, 18 × 2 = 36 और 36 × 9 कितना होता है? 45। यानी कि अगर मैं इस पूरी संख्या को 450 से भाग कर दूं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगर मैं इस पूरी संख्या को यानी कि 3600 को मैं 450 से भाग कर दूं तो ये एक पूर्ण घन बन जाएगी। अब एक बार करके भी देख लो, तो ये रहा मेरा 3600, इसको अगर मैं 4500 से भाग कर दूं तो 0 से 0 कट गया, 9 से काट रहा हूँ, 9 × 5 = 45 एंड 9 × 6 = 36, तो ये 40 आ गया। एंड 5 से मैंने 40 को काटा 8 बारी, तो जो आपका भागफल आया वो कितना आया? 8 आया। तो एक बारी इस 8 को देखो क्या ये पूर्ण घन है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। 8 किसका घन होता है? आप बोलोगे 2 का घन होता है। तो यहाँ पे जो 8 है वो पूर्ण घन मिल गया, तो वही तो हमें बताना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्रम को पूरा करो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर आप इस क्रम को देखोगे तो 3 से 5 हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके आर्मी में 80% जो सवाल आते हैं वो आपके प्लस या माइनस से ही आएंगे ज़्यादातर, बहुत कम में मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, यानी कि गुणा और भाग। तो जब आप 3 से 5 पे गए तो आपने कितना जोड़ा? आप बोलोगे हमने 2 जोड़ा। 5 से 9 पे गए तो कितना जोड़ा? 4 जोड़ा। 9 से 15 पे गए तो कितना जोड़ा? 6 जोड़ा। 15 से 23 पे गए तो कितना जोड़ा? 8 जोड़ा। अब हमें आगे बताना, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने 2 जोड़ा, फिर 4, फिर 6, फिर 8। देखो 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 8, यानी कि जो आप आगे जोड़ोगे वो 10 जोड़ोगे। अरे भैया सिंपल सा दिख रहा है ना, 2, 4, 6, 8 और फिर 10। तो अगर मैं 23 में 10 जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 33। अगर 33 ऑप्शन में है यानी कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ, बिल्कुल सही, 33 ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से क्या है ये क्वेश्चन, अगर मैं इनको ध्यान से देखूँ, वैसे जो नॉर्मल बच्चा पहली बार ही देखेगा इन क्वेश्चंस को वो बोलेगा यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि अगर वो डिफरेंस देखेगा यानी कि गैप देखेगा तो 1 और 8, 1 और 9 में कितने का गैप है? 8 का। फिर 9 और 25 में कितने का है? आप बोलोगे 16 का। फिर इसमें और इसमें कितने का है? 25, 24 का है ना, 24 का ही है ना, हाँ। और इसमें इसमें पता नहीं, यहाँ से उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो और अगर जिसने वर्गमूल पढ़े हुए हैं तो उसकी नज़र तुरंत जाएगी वर्ग पे। किस पे जाएगी? वर्ग पे। वो बोलेगा यार ये जो 1 है ना वो मुझे 1 का वर्ग दिख रहा है, यानी कि रियल में होता भी 1 का वर्ग है। ये जो 9 है ना ये मुझे 3 का वर्ग दिख रहा है। ये जो 25 है ना ये मुझे 5 का वर्ग दिख रहा है। ये जो 49 है ना ये मुझे 7 का वर्ग दिख रहा है। यहाँ पे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है ये जो 121 है ना ये 11 का वर्ग है। अब ध्यान से देखो, 1 में 2 जोड़ा 3 आया, ठीक है। पहले 1 का वर्ग किया, फिर उसमें 2 जोड़ के 3 का वर्ग कर दिया, फिर 3 में 2 जोड़ा 5 का वर्ग कर दिया, फिर 5 में 2 जोड़ा उसमें 7 का वर्ग कर दिया। अब एक बार ही 7 में जरा 2 जोड़ के 9 का वर्ग कर दो, और फिर 9 में 2 जोड़ के 11 आ रहा है, यानी कि हम बिल्कुल सही पटरी पे चल रहे। तो 9 का वर्ग कितना होता है? 9 का वर्ग बोले तो 9 × 81, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? बस यहाँ पे आपको सोचना है कि क्वेश्चन, मतलब ये जो सीरीज है, ठीक है, श्रृंखला है, वो आगे कैसे बढ़ रही, और बस उसके बिहाव पे आपका जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 18 आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 164 नहीं है, 64 है बस, ठीक है। एक सेकेंड, कितना आपके पास यहाँ पे? बस 64, ठीक है भाई, 64 है। अब ध्यान से देखोगे, अब जिस बच्चे को फिर यहाँ पे आपके वर्ग याद होंगे, सॉरी घन याद होंगे, वो बता देगा, क्योंकि जैसे वो 8 को देखेगा वो बोलेगा 8 होता है आपका 2 का घन, होता है कि नहीं होता? अच्छा 27 किसका घन होता है? 3 का घन होता है। 64 किसका घन होता है? ये आपका 4 का घन होता है। 25 किस इसको 125 किसका घन होता है? 5 का घन होता है। तो पहले 2 का घन, फिर 3 का घन, फिर 4 का घन, फिर 5 का घन। अगर मैं उल्टे में चलाऊं, पहले 5 का घन, फिर 4 का घन, फिर 3 का घन, फिर 2 का घन, यानी कि आप 1 का घन बात करेंगे। तो 1 का घन क्या होता है? देखो किसी भी संख्या के घन का मतलब है उस संख्या को 3 बारी गुणा कर दो, तो 1 × 1 × 1, तो 1 × 1 = 1, इसका जो आंसर होगा वो आपका 1 ही होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, ठीक है। सो ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 क्रमागत पूर्णांकों का योग आपको दे रखा है 266, ठीक है। तो पहला पूर्णांक,
खुद बताओ, अगर मैंने आपको बोल दिया कि भैया चार क्रम में संख्या है, मैंने आपको पहली संख्या बता दी, मान लो मैंने कहा भैया पहली संख्या है 5, तो आगे की जरा 3 संख्या बताओ, तो आप बोलोगे भाई पहली अगर तूने 5 बता दी तो दूसरी होगी 6, तीसरी होगी 7, चौथी होगी 8। मैंने कहा तूने 5 के बाद 6, 7, 8 ही क्यों बोला, तो आप बोलोगे भाई तूने तो कहा था क्रम में बतानी, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है। लेकिन ये हमने कैसे बता पाए, क्योंकि जब हमें एक नंबर पता था, लेकिन यहाँ पे हमें उस नंबर को मानना पड़ेगा, तो माना ठीक है पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर कितना आ जाएगा, मान दो x। खुद बताओ अगर पहली x है तो आपने पहली से दूसरी कैसे निकाली, आप बोलोगे भाई पहली में 1 जोड़ के, तो दूसरी कितनी आ जाएगी भाई, दूसरी आ जाएगी हमारी x प्लस में 1। ठीक है, तीसरी कैसे निकाली आपने, आप बोलोगे तीसरी मैंने निकाली पहले में 2 जोड़ के, यानी कि x में 2 जोड़ के। और चौथी कैसे निकाली, तो चौथी आ जाएगी x में 3 जोड़ के, x में 3 जोड़ के। तो पहली संख्या आ गई x, दूसरी संख्या आ गई x प्लस में 1, तीसरी आ गई x प्लस में 2, और चौथी आ गई x प्लस में 3। अब इन सब का योग पूछा है, जोड़ दो सबको, तो कितना आ जाएगा, इधर देखो ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा, एक सेकंड, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x प्लस में, सबका मैं जोड़ कर रहा हूँ, x प्लस में 1, फिर धन x प्लस में 2, फिर धन x प्लस में 3, बराबर इन सब का योग ही तो हमें कितना दे रहेगा, 266 दे रहेगा, बिल्कुल सही। अच्छा एक्स एक्स वालों को जोड़ दो, एक्स 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 एक्स, तो कितने एक्स है, 4x, तो ये हो जाएगा हमारा 4x। धन में इन सब संख्याओं को जोड़ दो, तो 1, 1 और 2, 2 और 1, 3 और 3, 6, तो ये हो जाएगा हमारा 6 बराबर 266। अच्छा यहाँ से क्योंकि हमें x निकालना है, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, 266। अब ध्यान से देखो, यहाँ 6 किसका था, प्लस का, धन का, तो ये यहाँ आके ऋण का हो जाएगा, तो 266 में से अगर मैं 6 को घटाऊंगा तो 260 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, 260। अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूंगा तो 260 और बट्टे में आ जाएगा आपका 4, तो कितना होगा, 260 को 4 से भाग करके देख लो, 4 छके होता है 24 और 4 पंजे होता है 20, यानी कि जो संख्या आ गई वो आ गई हमारी पहली संख्या, पहली संख्या क्योंकि x मानी थी और उसी का मान आ गया हमारा 65, यानी कि सबसे पहला पूर्णांक या फिर संख्या बोल लो वो आ गई हमारी 65। अच्छा दूसरी क्या होगी, 66, तीसरी क्या होगी, 67, चौथी क्या होगी, 68। अगर आप इन सबका योग करोगे ना तो वो आपका 266 ही मिलेगा, क्लियर है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, 20, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 20, 20वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5, 8, 11, 14 ऐसा करते करते हमें 22वें पद तक का योग निकालना है, ठीक है। तो ये आपका जिसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से अगर बोले तो समांतर श्रेणी से आपका क्वेश्चन है, कहाँ से है, समांतर श्रेणी से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। समांतर श्रेणी में एस एन पदों का योगफल आपका क्या होता है, आपको ही पता होगा, एन अपॉन में 2, 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी होता है, क्लियर है। जहाँ पे मैं एक एक संख्या बता देता हूँ क्या होता है, एन तो होता है कि कितने नंबर तक हमें निकालना है, तो हमें निकालना है भैया 22 नंबर तक, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, एन बराबर आ जाएगा हमारा 22, ठीक है। ए क्या होता है, ए होती है पहली संख्या, तो इस जो श्रेणी थी उसकी पहली संख्या 5 थी, इसका हो जाएगा 5। अच्छा डी क्या होता है, डी होता है दूसरी माइनस पहली, यानी कि दूसरी में से पहली माइनस कर दो, तो अगर मैं 8 में से 5 माइनस करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा भाई, 8 - 5 = 3। कुछ नहीं करना, इनको यहाँ रख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो एस मुझे कितने तक निकालना है, 22 तक, यानी कि 22 पदों तक का योग, तो यहाँ पे आ जाएगा एन बटे 2, यानी कि एक सेकेंड, 22/2, ठीक है, अंदर जाएगा 2 × a, यानी कि 2 × पहला पद कितना दे रखा है, 5, धन एन माइनस 1, एन कितना है हमारा 22, यानी कि 22 - 1 गुणे आपका डी, डी कितना दे रखा हमें, 3, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना, सरल कर लो बस, 2 से मैंने 22 को काटा, कितनी बारी कटेगा, 11 बारी, तो ये बाहर तो आ जाएगा आपका 11, ठीक है। अंदर क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10, बिल्कुल सही, 2 × 5 = 10 होता है, प्लस में 22 में अगर मैं 1 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा हमारा 21, ठीक है, कितना आ जाएगा 21, और गुणा में कर दो 3, क्लियर है भाई। अभी ध्यान से देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 11, ठीक है, ये था हमारा 10, इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखने दो, 10 धन में 21 थी कितना होता है, आप बोलोगे 63, 21 थी कितना होता है, 63 ही होता है, 3 × 3 = 3, 3 × 6, ठीक है, 63, ठीक है। अभी 63 और 10 को जोड़ दो तो आप बोलोगे 73 आता है, यानी कि 11 × 73, अरे हमने इन दोनों को जोड़ दिया ना, ठीक है, तो कितना आ गया, 63 × 10 = 73। अब 11 73 को कर दो 11 से गुणा, तो जैसे मैं करूँगा गुणा, 1 * 3 = 7 और 1 * 3 = 7, तो ये आ जाएगा हमारा 3 × 7 = 3 = 10, 0 + 1 = 1 और 7 + 1 = 803, तो हमारा जो राइट आंसर होगा, उत्तर वो आ जाएगा हमारा 803, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है भाई। तो समांतर श्रेणी का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते, और मेरे ख्याल से किसी को फॉर्मूला, कोई ऐसा नहीं होगा जिसका फॉर्मूला याद नहीं होगा, सबको फॉर्मूला याद रहते हैं, ठीक है। हाँ भाई, इसी की बात कर रहा था मैं अभी, जो हमने पीछे पढ़ा था ना,
प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, एन प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, एन एन प्लस में वन अपॉन में दो पढ़ा था। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इन्होंने पूछा है माध्य, आपको पता होना चाहिए माध्य क्या होता है। माध्य होता है योग, कुल योग बटे कुल संख्या, योग बटे कुल संख्या, होता है कि नहीं होता? आप बोलोगे बिल्कुल भाई होता है। अब योग आपके पास ये रहा और कुल संख्याएं कितनी है भैया, संख्याएं भी तो एन ही है, एन बोले तो जितनी भी है, एक से सौ तक कितनी संख्याएं होती है भाई, सौ ही संख्याएं होती है, तो ये आ जाएगा सौ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो योग तो आपके पास ये फॉर्मूला है आपके पास योग का, तो योग का फॉर्मूला क्या है आपके पास, एन एन प्लस में वन और बटे दो, लेकिन अभी इसमें बटे और करना है हमें कुल संख्या, और कुल संख्याएं कितनी दे रखी है वो भी एन ही होंगी ना भाई, जितनी संख्याओं का निकाल रहे हैं वही तो संख्याएं होंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एन एन प्लस में वन अपॉन में ये दोनों भी गुणा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टू एन। अब एन से एन कट गया, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, एन प्लस में वन अपॉन में टू। अगर मैं आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट बताता ना कि भैया इसको ऐसे माध्य निकालो, तो आप बोलते भाई ये फॉर्मूला आया कहाँ से, आप पहले ये पूरा बता। तो इसलिए मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कैसे कैसे करके फॉर्मूला आया। आज से आपको अगर कभी भी, ठीक है मैं दोबारा से लिख रहा हूँ एक सेकेंड, प्रथम आज से अगर आपको कभी भी प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछे ना, क्या पूछे, माध्य, आपको कुछ नहीं करना, ये सिंगल फॉर्मूला यूज़ कर देना है, एन प्लस में वन बटे दो, और यहाँ पे ये एन क्या है, एन है कितने नंबर तक निकालना है, तो यहाँ हमें एक से सौ तक निकालना है, यानी कि कुल कितनी संख्या होंगी, सौ, यानी कि यहाँ पे एन का मान कितना हो जाएगा, सौ। आपको कुछ नहीं करना, सौ धन में एक और बटे में दो कर दो, तो सौ धन में एक कितना हो जाएगा, एक सौ एक हो जाएगा, और एक सौ एक को भाग कर दो दो से, तो कितनी बारी जाएगा, पचास दुनी सौ, तो दो पंजे दस, जीरो दो पंजे दस, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा पचास दशमलव पाँच। ठीक है, ये एक नहीं होगा, पचास दशमलव पाँच हो जाएगा आपका, क्लियर है। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, पचास दशमलव पाँच, क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से हम माध्य निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या बोल रहा है, दो टेबल तथा तीन कुर्सी का मूल्य हमारा 7000 रुपये है, और तीन टेबल तथा दो कुर्सी का मूल्य हमारे पास कितना है, 8000 रुपये है, तो एक टेबल का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना एक टेबल का मूल्य, ठीक है टेबल का मूल्य, क्योंकि हमें पता तो है नहीं, तो कुछ भी हमें चर राशि माननी पड़ेगी, मान लो x। ठीक है, अच्छा ये तो एक टेबल का आ गया, माना एक कुर्सी का मूल्य, कुर्सी का भी तो मानना पड़ेगा, कुर्सी का मूल्य, ठीक है, अब अगर इसको x मान ले तो उसको y मान लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहले आपको दो टेबल का मूल्य दे रखा, आप खुद बताओ, अगर आपको एक टेबल का x दे रखा है तो दो टेबल का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भाई 2x हो जाएगा। अच्छा प्लस में फिर तीन कुर्सी, तो एक कुर्सी का अगर y है तो तीन कुर्सी का 3y, इन दोनों का जोड़, कुल ही तो दे रखा हमें 7000, बिल्कुल सही 7000, बिल्कुल। अच्छा फिर तीन टेबल, यानी कि तीन टेबल, एक टेबल का अगर x है तो तीन टेबल का कितना हो जाएगा 3x, प्लस में दो कुर्सी, यानी कि एक कुर्सी का अगर y है तो दो कुर्सी का कितना हो जाएगा 2y, बराबर इन दोनों का योग कितना दे रखा है, ये दे रखा हमें 8000, क्लियर है भाई। अब बोल रखा है कि भैया इन दोनों को सॉल्व करके बताओ कि हमें, ध्यान से देखो, मूल्य किसका पूछा, टेबल का मूल्य पूछा, और टेबल क्या है x, यानी कि हम y वाले पद को गायब करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, अगर मैं पहले वाले समीकरण को, ध्यान से देखो, मुझे y गायब करना है ना, तो मैं y के जो गुणांक है ना 3 और 2, इनको बराबर करूँगा, तो अगर मैं इस पूरे पहले वाले समीकरण को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ, ठीक है, और इस पूरे दूसरे वाले समीकरण को मैं 3 से गुणा करता हूँ, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, दो दुनी कितना हो जाएगा 4x, ढंग से देखना, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, बट कोई नहीं यार, ध्यान से देखो हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है भाई, तो दो दुनी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4x, बिल्कुल सही 4x, प्लस में दो तीय कितना हो जाएगा 6y, बिल्कुल सही 6y, और बराबर दो सत्य कितना हो जाएगा हमारा 14, तो 14000 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अच्छा दूसरा क्या होगा, तीन तीय 9x, ठीक है 9x, प्लस में तीन दुनी 6y, और बराबर तीन अठे 24, तो ये हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा 24000, क्लियर है भाई। अब आप क्या करो, क्योंकि आपको y गायब करना है, आप समीकरण एक में से, इसमें से इसको घटा दो, तो जब घटाते हैं तो मैंने अभी बताया था, जो नीचे वाला समीकरण होता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये धन का था ये ऋण का हो जाएगा, ये भी धन का था ये भी ऋण का हो जाएगा, 6y से 6y कटा क्योंकि ये धन का था ये ऋण का था। अच्छा 4x में से आपका 9x को आपको माइनस करना है, तो ये बचेगा माइनस का 5x, ठीक है, क्योंकि जब भी देखो 4x तो किसका है धन का, और 9x किसका है ऋण का, धन ऋण हमेशा ऋण होता है, तो बड़े में से छोटा घटाया, 9 में से 4 जाएगा 5x,
ठीक है। और जो चिन्ह आता है वो आता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या है आपकी 9x, तो 9x का चिन्ह माइनस का था इसलिए माइनस लगा दिया। बराबर सेम वही 24,000 में से अगर मैं 14,000 को घटाऊंगा तो मेरा आएगा 10,000, बिल्कुल सही 10,000 आएगा। अब इस 10,000 का जो चिन्ह होगा वो होगा माइनस का, क्यों? क्योंकि ये दोनों घटे लेकिन जो चिन्ह आएगा वो बड़ी संख्या का, यानी कि 24,000 का जो चिन्ह था ऋण वो आएगा। यहाँ से ऋण काट दो, तो यहाँ से मैं x का मान निकाल सकता हूँ? आप बोलोगे बिल्कुल भाई निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा हमारा 10,000 बट्टे में 5। पता है ना बट्टे में क्यों ले गया? क्योंकि इन दोनों का संबंध गुणा का था, ये यहाँ भाग पे। अब 10,000 को काट दो 5, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 2,000 आ जाएगा। क्लियर है? तो जो उसने पूछा है ना, जो टेबल का मूल्य वो है आपका 2,000। क्लियर है भाई? ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। आप देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, वो बात सही है, जरूरी नहीं पूरा पेपर आपका बिल्कुल ही ऐसा लेंथी बना देगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती है भाई बताओ जरा, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती है हमारी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और ऐसा करते करते इनफाइनाइट तक जाती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें पूर्ण संख्या, ठीक है, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? वो 0 से होती है, 0, 1, 2, 3, ऐसा करते करते इनफाइनाइट। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछता तो आपका 0 होता, बट अभी प्राकृतिक पूछी है तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किन्हीं दो संख्याओं का योग दे रखा है आपको 10 और उनका गुणनफल दे रखा है 20, उनके पारस्परिक संख्याओं का योगफल कितना होगा? देखो यहाँ पे पारस्परिक का मतलब है उनके व्युत्क्रम का, ठीक है, पारस्परिक का ही दूसरा मतलब आप समझ सकते हो व्युत्क्रम, क्या होता है? व्युत्क्रम। ठीक है भाई, तो देखो दो संख्या कुछ भी मान लो, मान लो पहली है x, दूसरी है y, x प्लस में y तो आपको दे रखा है कितना? 10 है, और उनका दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है? यानी कि एक्स वाई, भैया गुणा करने का मतलब एक्स वाई, वो कितना दे रखा है? 20। उनके व्युत्क्रम, अब खुद बताओ अगर संख्या x है तो मैंने अभी आपको x का व्युत्क्रम क्या बताया था? आप बोलोगे भाई 1/x बताया था, और अगर संख्या y है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/y होगा, बताया था कि नहीं बताया? बिल्कुल। अब इन दोनों को ऐड कर दो यार, तो ऐड करके मतलब जोड़ के क्या होगा? 1/x धन में 1/y आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों में, देखो कुछ नहीं करना, एक्स वाई को यहाँ गुणा कर दो, एक्स को यहाँ गुणा कर दो, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, तो वाई जब एक के साथ गुणा होगा तो वाई कम वाई धन एक्स जब एक के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा एक्स, और बट्टे में आ जाएगा एक्स वाई, इन दोनों को गुणा करके ये आ गया। अब खुद बताओ एक्स प्लस वाई क्या है हमारे पास? 10, बिल्कुल सही बात, 10 बटे एक्स वाई कितना है? एक्स वाई हमारे पास 20, तो 10/20, 10 × 1 = 10 और 10 × 2 = 20, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1/2। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, सो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। ठीक है भाई, अब देखो ये वही आ गया ना, पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, जो मैंने आपको पीछे अभी फॉर्मूला बताया था। ठीक है, मैंने तभी कहा था उस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो। अब ये आप में से सच सच बताओ किसको फॉर्मूला याद है? मैंने क्या बताया था? प्रथम, ठीक है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यही बताया था ना, वर्गों का योग। तो मैंने कितना बताया था जल्दी बताओ जरा, n n प्लस में 1, 2n प्लस में 1 और बटे में 6, यही बताया था। अब यहाँ पे n कितना दे रखा है, यानी कि कुल संख्या कितनी है? पहली 10, तो n बराबर कितना आ गया? 10, कुछ नहीं करना यहाँ पे 10 रख दो, तो ये हो जाएगा हमारा 10, फिर 10^1, फिर 2×10 और 10^1 बटे आ जाएगा हमारा 6। ध्यान से देखो ये हो जाएगा 10 × 10 = 1 कितना होता है? 11। ठीक है, × 10 × 2 कितना होता है? 20, और 20 × 1 = 21, तो ये आ जाएगा 21/6। अब ध्यान से देखो 3 से काट लो, 3 × 2 = 6 और 3 × 7 = 21, 2 से 10 को काटा, 2 × 5 = 10, कुछ नहीं करना, 5 × 11 × 7 कर दो, तो 11×5 कितना होता है? 55, तो ये आ जाएगा हमारा 55×7, तो 55×7 कर लो यहाँ पे, 55×7 करेंगे तो 7×5 = 35 का 5 हासिल लगे 3, 7×5 = 35 और 3 कितना होता है भाई? 35 × 3 = 38। ठीक है, तो हमारा जो 385 है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 देखो भाई कैसे करेंगे। अब देखो जो मैंने आपको पहले बताया था ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, वो उस ये क्वेश्चन उससे काफ़ी आसानी से बन जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्विंटल, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्विंटल और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उनकी कीमत। तो ध्यान से देखो, वो बोल रहा है 2/5
क्विंटल की कीमत आपको कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 180 रुपये, बिल्कुल सही। अब वो बोल रहा है तो 4/6 क्विंटल चावल की कीमत क्या होगी, तो यहाँ क्विंटल के नीचे क्विंटल, 4/6 की क्विंटल की लागत कितनी होगी, मान लो एक्स होगी, ठीक है, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को बराबर कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा 2/5 × x, ठीक है, 2/5 × x बराबर 180 × 4/6, 6 से अगर आप 180 काटोगे 30 बार ही कटेगा, ठीक है, भाग दे के देख लेना, 180/6 30 आएगा, 30 को जैसे आप 40 के साथ गुणा करोगे तो 3 × 6 कितना हो जाएगा, 12, 120 आपका, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा, फिर क्योंकि अभी इधर भी है तो ये हो जाएगा हमारा 2/5 × x बराबर आ जाएगा 120। हम क्योंकि हमें x का मान निकालना, ध्यान से देखो हम कैसे निकालेंगे, 120 अपनी जगह था, ये 5 यहाँ x के साथ किस संबंध में, आप बोलोगे भागा, तो भागा वाला चला जाएगा गुणा में, और बटे ये जो गुणा में है 2, ये आ जाएगा भाग में, 2 से 120 काटा हमने 60 बारी, ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6/5 300, तो जो यानी कि 4/6 क्विंटल का जो कीमत है ना वो कितनी आ जाएगी हमारी, ऑप्शन नंबर ए 300 आ जाएगी, क्लियर है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बड़ी आसानी से बन गया, वरना आप इसको दूसरे मेथड से कैसे कर सकते थे, मान लो 2/5 क्विंटल का जो कीमत है, ठीक है, क्विंटल का कीमत है वो आपको कितना दे रखा है 180, तो पहले आप 1 क्विंटल का निकालो, तो 1 क्विंटल का निकालने के लिए आप क्या करोगे, 180 और बट्टे में इस पूरे को ले जाओगे 2/5, ठीक है, फिर आप यहाँ से निकाल के, फिर 1 क्विंटल का आ गया, आपको निकालना 4/6 क्विंटल का, जितना भी 1 क्विंटल का आएगा उसको गुणा कर दोगे आप 4/6 से, ठीक है, तो वो भी इससे आप आसानी से क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है, बाकी इसका आंसर जो आएगा वो 300 ही आएगा, आगे आप ट्राई कर लेना, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, बोल रहा है 1534 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 31 से पूर्ण भाजक बन जाए, 31 की पूर्ण भाजक बन जाए, ठीक है, यानी कि 1534 को हमें अगर 31 से पूर्ण भाजक करना है तो हमें उसमें कितना जोड़ना होगा, तो सबसे पहले एक बार ही भाग करके देख लो कितनी बार ही जा रहा है, तो 31 × 6 कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12, ठीक है, इधर से हासिल लिया 13, 13 में से 4 जाएगा आपका 9 और 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 29 बचा, 4 को नीचे उतारा मैंने, ये हो जाएगा आपका 294, फिर कितनी बारी जाएगा, 3 × 9, ठीक है, 9 बारी जाएगा, तो 9 × 1 हो जाएगा हमारा 9, ठीक है, फिर 9 × 3 = 27, ये हो जाएगा हमारा 27, फिर इधर से एक हासिल लिया 14, 14 में से 9 जाएगा 5, और यहाँ पे 8 बच गया था, 8 में से 7 जाएगा 1। अब ध्यान से देखो, जब मैंने 1534 को 31 से भाग किया, ध्यान से सुनो, जब मैंने 1534 को 31 से भाग किया तो जो मेरा शेषफल आ रहा है वो 15 आ रहा है। अब मेरे पास या तो दो ऑप्शन है, या तो मैं इसमें से 15 घटा दूं, या फिर मैं इसमें 15 जोड़ दूं, या फिर मैं इसमें से कितना मैं इसमें कितना जोड़ूं कि वो 31 से पूर्ण भाजक बन जाए, यानी कि 31 से उसमें पूरा भाग चला जाए, तो वो बोल रहा है कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो 15 तो शेषफल बच रहा है, अगर मैं इसमें 16 जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा 31, भैया 31 का पाड़ा 31 में खुद चला जाएगा, तो इस 1534 में आपको कितना जोड़ना होगा, कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो वो संख्या हो जाएगी आपकी 16, कितनी हो जाएगी 16, यहाँ पे थोड़े ऑप्शन आपके करेक्शन है, ठीक है, ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं वो 16 जोड़ने के बाद दे रखे हैं, ठीक है, सो अगर आप 1534 में 16 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, ध्यान से देखो, 6 × 4 = 10, 3 × 1 = 4 × 1 = 5, 5 × 5 = 1, तो आपको 1550 मिलेगा, जो कि यहाँ पे ये दे रखा है 1550, ठीक है, बट आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 16, यानी कि 1534 में हम 16 जोड़ेंगे जब, ठीक है, तब वो 31 से पूर्ण भाजक बन जाएगी, 31 से पूर्ण वो क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो भाई क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास, वह संख्या ज्ञात करें जिसमें 6 जोड़ने पर 27, 36, 63 व 108 का पूर्ण भाजक बन जाए, तो जब भी वह संख्या की बात करेगा सबसे पहले आप क्या कर दो, इन तीनों का ले दो, सॉरी 4 है ना, तो इन चारों का लासा ले लो, ठीक है, सो अगर मैं लासा लूँगा इन सबका, किसका, सॉरी 27 है ना, ठीक है, 27, 36, 63 और 108 का, ठीक है, तो ध्यान से देखो किससे देंगे भाई, सबसे पहले 2 से, ठीक है, 2 से 27 में जाएगा नहीं, इसको ऐसे ही उतारो, 2 से 36 में कितनी बारी जाएगा, 18 बार, 63 में नहीं जाता ऐसे ही उतार दो, 108 में कितनी बारी जाएगा, 54 बार, फिर 2 से जाएगा 27 में नहीं जाता ऐसे ही उतार दो, 18 में जाएगा 9 बारी, 63 में नहीं जाता ऐसे ही उतार दो, 54 में जाएगा 27 बारी, फिर 3 से दे लो, ठीक है, तो 3 से कितनी बारी जाएगा, ये 3 से जाएगा 27 में 9 बारी, 3 से जाएगा 9 में 3 बारी, 3 से जाएगा 63 में कितनी बारी, 3
एक सेकंड, पूरा सा ठीक है, 3 से 63 में जाएगा कितना, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 21 बारी, 3 से 27 में जाएगा 9 बारी, फिर 3 से 2 ठीक है, तब तक देते जाना है जब तक कि जाए ना, 3 से अगर 9 में देंगे, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3 3 9, फिर 3 से 2 ये आ जाएगा हमारा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7 में नहीं जाता ऐसे ही लिखो, और 3 एकम 3, अब लास्ट बारी 7 से दे दो तो ये हो जाएगा 1 1 1 और 1, जब तक नीचे 1 1 ना बने तब तक हम भाग देते रहते हैं। अब ध्यान से देखो भाई, वो क्या बोल रहे हैं कि हमें किस संख्या में 6 जोड़ना चाहिए। सबसे पहले इन दोनों इनका लासा निकालो जरा, तो कितना हो जाएगा, ये लासा हो जाएगा इनका 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 7, तो सबसे पहले देख लो भाई, 2 × 2 कितना होता है 4, 4 × 3 कितना होता है 12, 12 × 3 कितना होता है 36, और 36 को गुणा कर दो 7 × 21 के साथ, तो 36 को मैंने गुणा कर दिया 21 के साथ, 1 × 6 1 × 3 2 × 12 और 2 × 6 = 7, तो ये आ जाएगा 6 × 3 = 5 756। अब ध्यान से देखो, हाँ मेन चीज़ यहाँ यहीं पे आती है, 756 तो हमारी वो संख्या आ गई जो कि इन सब से विभाजित हो जाएगी पूर्णतः, किससे, 27 36 63 और 108 से, लेकिन हमें तो वो संख्या ज्ञात करनी है जिसमें हम 6 जोड़ें, तो अगर 756 वो संख्या है तो अगर मैं इसमें से 6 घटा दूँ ठीक है, तो संख्या कितनी आ जाएगी 750, यानी कि 750 एक सेकंड 750 भैया वो संख्या आ जाएगी जिसमें अगर मैं 6 जोड़ूँ ना तो ये कितनी हो जाएगी 756, और तब जाके ये 27 36 63 और 108 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, पूर्ण भाजक बन जाएगी ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा इसका, 750, यानी कि 750 वो नंबर है, वो संख्या है जिसमें कि अगर आप 6 जोड़ो ना तभी कितना बन जाएगा 756, तब जाके ये सबसे विभाजित होगा 27 36 63 और 108 से ठीक है। तो इसका जो प्रोसेस था वो क्या था, इन सबका पहले लासा लो फिर लासा में से 6 घटा दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहे हैं ठीक है भाई, सो 2048 और 960 को पूर्ण रूप से कौन सी संख्या, कौन सी सबसे बड़ी संख्या विभाजित करेगी, तो जब भी बात आ जाए कौन सी सबसे बड़ी संख्या विभाजित करेगी तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का मासा लेना है, और हमेशा याद रखना जब भी दो संख्याओं के मासा की बात आती है ना, दो संख्याओं का मासा, तो आप क्या कर दो, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे दो, तो बड़ी संख्या क्या है 2048, इसमें छोटी संख्या यानी कि 960 से, तो कितनी बारी जाएगा 2 बारी, तो 2 × 0 = 0, 2 × 6 = 12, 1 और 2 × 9 = 16, 2 × 0 = 0, 2 × 6 = 12 = 2, हाँ से 1 × 2 = 18 और 1 = 19, तो आ जाएगा 1920, 8 में से 0 जाएगा 8, 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ से 1 हासिल लो, 10 में से 9 जाएगा 1, 128 आ गया। फिर अब 128 से आपको किस में भाग देना है, ये वाली संख्या में, तो इसको ले आओ इधर ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 960, कितनी बारी जाएगा ये जाएगा 12 × 72 12 × 7 = 84, 7 बारी जाएगा लगभग, कितनी बारी जाएगा 7 बारी, तो 7 × 8 = 56 हासिल लगे 5, 7 × 2 = 14 और 5 आपका 14 और 5 = 19 हासिल लगा 1, और 7 × 7 = 8 ठीक हो जाएगा 896, ये कैसे हो रहा है 12 × 7 = 84 12 × 8 = 56 ठीक है, हाँ से लगा 5 7 × 2 = 14 14 और 5 कितना हो जाएगा 19 और 7 × 7 = 8, ये आना चाहिए ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 6 सॉरी 4 ठीक है, और हाँ बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, यहाँ से 1 हासिल लो 10, 10 में से 6 जाएगा आपका 4, यहाँ से 1 चला गया था 5, इधर से हासिल लो 15, 15 में से आपका 9 जाएगा 64, अब आप 64 को किससे भाग दोगे 128 में, ये उठा के यहाँ जाएगा ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 128, और 64 × 2 कितना होता है हर कोई जानता है 128 होता है, ये पूरा पूरा कट गया। जैसे ही हमारा जो शेषफल है वो जीरो आता है, क्या आता है शेषफल हमारा, जैसे जीरो आता है तो जो लास्ट वाला स्टेप था ना हमारा ये वाला, इसमें हमने जिस संख्या से भाग दिया वही हमारा मासा होता है, तो कौन सी संख्या थी वो 64, यानी कि इन दोनों का जो मासा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 64, और 64 सबसे बड़ी संख्या है जो कि इन दोनों को एक साथ काट सकती है ठीक है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 64, क्लियर है भाई ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और आज का लास्ट क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं, एक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाए तो 20 शेष बचता है। देखो भाई इसको सबसे बेस्ट ऑप्शन है बाय ऑप्शन जाओ, मैं आपको बता देता हूँ कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो बोल रहा है किसी संख्या को उसके वर्ग में से, मान लेते हैं माना वो जो संख्या है, माना संख्या बराबर है x, तो हमें x के वर्ग में से यानी कि x के स्क्वायर में से माइनस करना है x को, तब जाके हमारे पास 20 बचना चाहिए। एक एक करके ऑप्शन उठाओ, अगर मैं 10 उठाता हूँ
तो 10 का पहले स्क्वायर कर दो, 10 दसान की कितना होता है 100, मैं पहले वाले को उठा रहा हूँ, 10 का स्क्वायर 100 माइनस में 10, तो 100 माइनस में 10 कितना होता है 90, हमें कितना चाहिए 20, तो पहला ऑप्शन कट बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा 20 कैसे होगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 में से देखो 20 का स्क्वायर कर दिया, अब उसमें से 20 भी घटा दूँ, तो 400 में से अगर मैं 20 घटाऊंगा ये तो 380 बचेगा, लेकिन हमें तो भैया 20 चाहिए, ऑप्शन नंबर बी भी गलत। लेकिन 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 जैसे हम ऑप्शन सी में आएंगे तो ध्यान से देखो ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स बराबर 20, ठीक है बराबर 20, एक्स यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस में 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई 5 × 5 = 25, माइनस में 5 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20, हमें चाहिए भी कितना था 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है तो इसी के साथ आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट था, ठीक है 30 क्वेश्चन का, वो कम्प्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एंड जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए एक बार अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते, मतलब कमेंट बॉक्स में बोल सकते कि भाई यहाँ पे समझ में नहीं आए, ठीक है। एंड बाकी जो भी आपके नए आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, एंड बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।